हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 1.1। लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे असाइनमेंट दिया था कि आपने बेटा सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने कुछ सवालात किए थे बेटा, और वहां पे आपको कोई कंफ्यूजन अगर आई है तो आप बिल्कुल चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं आपके पास चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से ही। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ बच्चों को सवालात आए थे तो वो डिस्कस कर लेता हूँ मैं। हमने लास्ट क्लास में, अगर आपने बेटा नहीं देखा हो तो लास्ट क्लास वाली वीडियो देख लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। कुछ बच्चों को यहां मसला आया था, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 देखें। 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। तो बेटा देखो, कुछ बच्चों को यहां पे इश्यू आया था कि मैंने बोला था कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो एक्स स्क्वायर वहां पर होता है, तो इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह की आ गई। तो अब देखें इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सवाल में आपको क्या बोल रहे हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 2 देखें बुक में आप अपने। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, सॉल्व द फैक्टराइजेशन, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है हमने। हमने एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ फैक्टराइज करके बता देना है कि इसके फैक्टराइजेशन में ये फैक्टराइज होता है। तो देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म जो सर आपने बताई थी वो क्या थी, वो थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा। तो आए देखें, सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर को क्या करना है, अपनी जगह पे रखना है। क्यों जगह पे रखना है, ये पॉजिटिव है। मैं चाहता तो ऐसे भी कर सकता था ना, 4 माइनस 32x माइनस 17x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम ये ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमेशा पहले होती है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमेशा पहले होती है। तो स्क्वायर वाली टर्म को हमने किसमें फॉर्म में रखना पड़ता है, पॉजिटिव रखना पड़ता है बेटा, ठीक है। इस वजह से हम इस वाली ऐसे एक्स स्क्वायर को यहाँ नहीं लाएंगे, हम एक्स स्क्वायर को वहीं रखेंगे और 4 माइनस 32x को इज इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे। तो बच्चों देखो, 17x अपनी जगह पर है, माइनस 32x इज इक्वल टू के बाद जाएगा तो वो प्लस 32x बन जाएगा। यहां तक बात क्लियर है, बाकी 4 अपनी जगह पर है। माइनस 32x माइनस में था, वहां जाकर प्लस हो गया। अब क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में, 4 यहाँ प्लस है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो बच्चों देखो, यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 0। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। आप बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा ऐसी है, तो अब देखिए इस ये बराबर है 0 के, तो एक ही बात हुई ना बेटा, ये एक ही बात हुई। तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म यहां बन गई। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद आपका x स्टार्ट होता है, कौन सा, जिसमें आपने फैक्टराइज करना है। तो बेटा फैक्टराइज में बच्चों मैंने क्या बताया था आपको लास्ट क्लास में, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म जो भी है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स स्क्वायर वाला जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है वो, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। दोनों का तो यहाँ क्या है, 17 17 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 68। मैं ये वाला काम साइड पे कर रहा हूं, ठीक है। 17 मल्टीप्लाइड बाय 4 जब हम करेंगे हमारे पास बन जाएगा 68। अब 32 के फैक्टर्स बनाने, मिडिल टर्म ब्रेक करनी होती है। मैंने बताया था कि ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक करना है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो पहली क्लास नहीं देखी लेक्चर, तो आप देख लेना जरूर। 32 को ऐसे तोड़ना है आपने कि जिनको प्लस माइनस करने पे वो 32 बनाए और मल्टीप्लाई करने पे वो 68 बनाए,
ठीक है। तो अब देखें 32 के फैक्टर्स क्या है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 32 इज इक्वल टू 32, ये हर के 68 नहीं बनाता। अगर 32 और 1 को मैं प्लस कर दूंगा या माइनस कर दूंगा तो ना 32 बनेगा और ना ये करेंगे, तो 1 की कभी भी हम टर्म नहीं लेंगे, 1 को कभी भी सपोज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 के टेबल में देखेंगे। तो बेटा 2 के टेबल में 32 कब कितनी कितनी ज्यादा है, 16 ज्यादा है। तो 16 का बेटा देखें 30, तो अब 16 और 2 को देखें, 16 और 2 प्लस या माइनस करने पर आपके पास 68 मल्टीप्लाई करने पे 68 नहीं बनेगा, या प्लस माइनस करने पे वो 32 भी नहीं बनाएगा, ठीक है। तो बेटा अब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक हो गया। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, हमने ले लिए 68 के फैक्टर्स, इस टाइम इसको भूल जाएं, इस टाइम इस वाली वैल्यू को भूल जाएं, ये सिर्फ आपने निकाल लिया 17 और 4 से 68 निकाल दिया। अब मैं चल रहा हूं 68 के फैक्टर्स निकालने, 68 को 1 के टेबल में नहीं देखेंगे, 2 के टेबल में देखेंगे। तो बेटा 68 2 के टेबल में आता है, जी आता है 2 के टेबल में, कितनी से आता है, 234 ज़ा 68। अच्छा फिर मैं आपसे बोलूं कि 68 जो है वो 68 3 के टेबल में आता है, तो आप क्या बोलेंगे, 68 3 के टेबल में नहीं आता क्योंकि उसके टेबल में 68 नहीं मेंशन करते। अब 4 के टेबल में देखें तो 4 के टेबल में आता है, कितने ज़ा आता है, 417 ज़ा। और इस तरह करते करते 5 के टेबल में देखेंगे, 6 के टेबल में देखेंगे, 7 के टेबल में देखेंगे, करते 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 हमने जितने भी फैक्टर्स बना के, आपने चेक करनी क्या ये वाली वैल्यू, ठीक है। क्या क्या चेक करना है इसमें, 2 और 34 को प्लस करने पे क्या बनता है, मल्टीप्लाई करने पे तो 68 बन रहा है ये तो हमें पता है, लेकिन प्लस करने पे क्या बन रहा है, 36। क्या ये 36 है, नहीं गलत। क्या 2 और 34 को माइनस करने पर 32 बन रहा है, हाँ 34 में से अगर 2 निकाले तो 32 बनता है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू सही है। और फिर आप पूछेंगे सर ये वाली वैल्यू क्यों गलत है, तो बेटा आए देखें 17 और 4 को अगर प्लस कर दें तो आपके पास 21 बनता है, 32 नहीं बनता। तो दो नंबर आपको मिलेंगे 2 एंड 34। तो आए बेटा 17x स्क्वायर एज इट इज और माइनस 4 एज इट इज कॉपी करने, आपने 32 की जगह दो नंबर लिखने, क्या 2 और 34, तो प्लस 2x प्लस 34x। अब आपने डाली है बीच में साइन प्लस, हमने डालनी थी माइनस, तो देखें बेटा मैंने डाली है माइनस साइन यहां पर 34 के पास, क्यों डाली 34 के पास, क्योंकि देखें 34 माइनस 2 तो 32 बन रहा है, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो रहा, ठीक है साइन हमेशा बड़े की आती है और हम उल्टा चल के देख रहे हैं ना, पहले तो हम नीचे आते थे फैक्टराइजेशन में, क्या ऊपर चलना पड़ता हमें, तो जब माइनस साइन बड़े के साथ आ रही है तो यहाँ माइनस साइन होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ प्लस साइन है। ये साइन ने हमें बता दिया है कि हमने 34 के साथ माइनस साइन को मेंशन करना है। तो बेटा देखें यहाँ पे माइनस साइन आएगी, यहाँ पे प्लस साइन आएगी, यहां तक आपको मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई सबको, आगे बढ़ते हैं। तो जब बेटा आप ये वाली यहाँ खत्म कर देंगे, ये काम हो जाएगा आपका, तो आपने क्या करना है, आपने इन दो में से एक कॉमन लेना है और इन दो में से एक कॉमन लेना है। तो जब बेटा आप इन दो में से कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा आपके 17x माइनस 1 सॉरी माइनस 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते, आगे क्या कॉमन आएगा, तो प्लस 2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में देखें बेटा 2 कॉमन आ रहा है, जैसे ही 2 कॉमन निकलेगा तो इसमें से अगर मैं 2 खींच लूंगा अंदर बचेगा 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां तक पहुंचने के बाद
हमने देखने हमारे दोनों ब्रैकेट सेम है, जब सेम ब्रैकेट बन जाएंगे तो हमें समझ जाना है कि हमारा काम बिल्कुल सही हो रहा है, हम सही तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे देखें बेटा, आगे आपके पास क्या है, इन दो में से आपने एक चीज कॉमन लेनी, तो कॉमन सबको कॉमन सेंस से पता है, 17x-2, 17x-2 कॉमन लेने, दोनों में सेम आ रहा है, तो 17x-2 अंदर क्या बच गया, x+2, यहां तक क्लियर है आपको? और बेटा यही हमारा रिजल्ट है, ये उसने बोला था, मांगना मांग रहा था सॉल्व बाय फैक्टराइज, और ये फैक्टराइज हो गया। ठीक है, यहां तक आपको बात क्लियर है बेटा? आई होप सो आपको यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जरूर ले सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 4 में। पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। तो बेटा पार्ट 4 हमें क्या बोल रहा है, x² - 11x इज इक्वल टू 152। ठीक है, आप लोग अपनी बुक में नोट कर लें, यह सवाल है आपके पास। ठीक है, अब थोड़ा सा गौर करें इस सवाल पर कि क्या ये सेम सवाल है जैसे मैंने क्वेश्चन 3 किया है या 1 और 2 करवाया था। बेटा यहां तक आपको बात क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या है, हमारे पास कांस्टेंट बाहर है, बाकी पूरी टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में बनी हुई है, x² x² + -bx bx, सिर्फ कांस्टेंट वहां पर, मैं कांस्टेंट को उठाकर यहां लेके आ रहा हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, अब क्या है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन जानी होती है तो मुझे क्या करना होता है, x² का कोफिशियंट मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट से, तो x² का कोफिशियंट 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 152, हमारे पास 152 ही आएगा, 152 हमने फाइंड करना है, 152। तो 152 के फैक्टर्स ऐसे हमने फाइंड करने हैं जिससे हमारे पास प्लस माइनस करने पर क्या आए, 11 आए। ठीक है, तो 2 के टेबल में 152 आता है, जी आता है, कितने सा आता है, 76 आता है, 276 152 276 152। कुछ बच्चों को ये नहीं दिख रहा, तो बेटा जो रफ वर्क है, जो इस सवाल का रफ वर्क है वो मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूं इस तरफ। ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ रफ वर्क, तो 276 152। ठीक है बेटा, अब 152 क्या 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, क्योंकि वो पॉइंट्स में आता है। ठीक है, अब देखें आप 152 3 के टेबल में नहीं आता जब, तो आप 4 के टेबल में चेक करेंगे, तो क्या 4 के टेबल में आता है, जी आता है, कितने सा आता है, 4 38 152। ठीक है, इस तरह आप सब चेक करते रहेंगे 4 के टेबल में और 5 के टेबल में, 6 के टेबल में, और एक ना एक आंसर आपका ऐसा होगा जो सेट हो जाएगा उस पर।
जैसे हमारे पास 6 के टेबल 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 के टेबल में आता है, 8 19 जा 8 19 जा 152, ठीक हो गया। तो बेटा इन तीन में से, इन तीन को देख के आपको क्या लग रहा है कि कौन सा वाला फैक्टर होगा हमारा जिसको प्लस या माइनस करने पर 11 आ जाए? इन तीनों नंबर में से कौन सा ऐसा नंबर होगा जिनको प्लस या माइनस करने पर मेरे पास 11 आ जाए? तो बेटा देखें, 76 और 2, 76 एक बहुत बड़ा नंबर है, या 11 है ये बहुत छोटा सा नंबर है, ठीक है। तो 76 वाला नंबर हो नहीं सकता। 38 देखें, 38 में से अगर हम 4 निकालते हैं तो 38 माइनस 4 34, यहाँ पर 34 नहीं है, यहाँ पे 11 है। वापस आए 19 और 8 को प्लस करने में तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन 19 में से अगर 8 निकाल दें तो 11 बन जाएगा। तो ये हमें मिल गया हमारा आंसर, ठीक हो गई। तो बेटा देखें, वही जो मैंने यहाँ बताया था, यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 19x माइनस 152। अच्छा, मैंने दोनों में माइनस डाला है, अब माइनस पे काम करेंगे, ठीक है। तो बेटा साइन बड़े के पास माइनस है, इसका साइन के पास माइनस है, इसका मतलब बड़े के पास माइनस साइन होनी चाहिए। तो बड़े के पास माइनस साइन रहेगी, छोटे के पास प्लस हो जाएगा। अब दोनों में से कॉमन, इनमें दोनों में कॉमन क्या है, इनमें दोनों में एक्स कॉमन है, अंदर बचेगा एक्स प्लस 8। यहां पर क्या कॉमन है, 19 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस था, मैंने यहाँ प्लस कर दिया, और 8 19 8 152 होता है। अच्छा, मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि मैंने माइनस साइन कॉमन खींचा है, तो जब इसमें से माइनस खींचा इसके बाद प्लस बच गया, और जब इसमें से भी माइनस खींचा तो साइन प्लस हो गया। आपने 8 क्लास में जब आप सॉल्व करते हो, माइनस करते हो किसी चीज से, तो आपके पास क्या होता है, आपके पास क्या होता है, आप माइनस में साइन चेंज करते हैं और प्लस में साइन चेंज नहीं होती, माइनस में साइन चेंज करते हैं। तो बेटा जब भी माइनस आएगा, आपने साइन प्लस है तो माइनस करनी है, माइनस है तो प्लस करनी है, ठीक हो गया। अब आपके दो ब्रैकेट बन गए सेम, तो बेटा आपने दोनों को लिख लेना है, कॉमन ले लेना है, और आपके पास बच क्या जाएगा, एक्स माइनस 19। ठीक हो गया। तो बेटा ये है आपका सॉल्यूशन इस सवाल का, होप सो आपको ये बात बहुत क्लियर हो चुकी होगी अब कि फैक्टराइज किस तरह से करते हैं। अब काफी बच्चे तो फैक्टराइज कर लेते हैं, लेकिन वो फंसते कहाँ पर हैं, वो फंसते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। 5 और 6 में कुछ हैं जिसमें एलसीएम लेना पड़ता है, तो बच्चों को एलसीएम में मसला है। तो आए बेटा मैं आपको एलसीएम लेना सिखा देता हूँ। क्वेश्चन 5 एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 25 अपॉन 12, ठीक है। तो ये सवाल है बेटा आप लोगों के बुक में, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बेटा देखो, सबसे पहले आपने चेक करनी होती है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आपने थैंक यू बोलना है, कितना आसान सवाल दे दिया। लेकिन अगर सेम नहीं है डिनोमिनेटर, तो आपने करना होता है एलसीएम। तो इसका एलसीएम ऐसे तो नहीं लेते, कैसे लेते, दोनों वेरिएबल अलग है, एक एक्स की फैमिली है, एक एक्स प्लस 1 है, तो इसका एलसीएम बेटा होगा एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1। ये आप लोगों को पता है इसका एलसीएम होगा और होना चाहिए। तो बेटा देखें, जो एलसीएम होता है, जो एलसीएम होता है वो मल्टीप्लाइड होता है हर टर्म के साथ, याद रखिएगा मेरी बात। जो एलसीएम निकालते हैं यहाँ से, डिनोमिनेटर से जो एलसीएम निकला उसको हमने हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होता है बेटा,
ठीक है, तो देखें अगर मैं इस टर्म के साथ, ये एक टर्म है इसके साथ, इसको बड़ा करके लिख देता हूं, x x प्लस वन, इसको मल्टीप्लाई करने आपने एलसीएम के साथ x प्लस वन, और फिर अगली टर्म प्लस x प्लस वन x, इसके साथ मल्टीप्लाई करने आपने जो एलसीएम आया है उसको, इज इक्वल्स टू 25/12। सही है, यहाँ पे जब ये ना सीन होता है ना, इसको कहते हैं एलसीएम। बेटा जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता वो तो बहुत ध्यान से इस बात को सुन लें कि जब भी आप एलसीएम निकालते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालने के बाद आपने क्या करना है, हर टर्म के साथ उस एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक दूसरा एलसीएम लेते हैं जिसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो वो थोड़ा पुराना तरीका हो गया है, छोटी क्लास में करते थे आप, अब बड़ी क्लास में अब आ गए हैं तो थोड़ा बड़ों वाला काम करें। ठीक है, बड़ों वाला काम क्या है, आपने उस मल्टीप्लाई करना है एलसीएम को हर टर्म के साथ। तो बेटा देखें, इस टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने की सूरत में आपके पास क्या हुआ, x प्लस वन, x प्लस वन से कट गया, दूसरी टर्म में x x से कट गया। यहां तक बात क्लियर है? तो बेटा जब यहां तक बात क्लियर है आपको, तो देखें अब आप लिख सकते हैं x, ये वो स्टेप है जो आप रफा में भी कर सकते हैं। ठीक है, मेन स्टेप क्या है, x स्क्वायर प्लस x प्लस वन का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर कुछ है नहीं है, लेकिन हम डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, जो एलसीएम आया है। इस चीज को बहुत ध्यान से देखें, डिनोमिनेटर में हमने वो लिखना होता है जो हमने एलसीएम निकाला है। कुछ बच्चे यहाँ पर भूल जाते हैं कि एलसीएम हमने डिवाइड में लिखना है, वो डायरेक्ट इसको कटिंग करके और डायरेक्ट वहां शिफ्ट करके सॉल्व करा दे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया भाई, x का आंसर आ गया, सॉल्व खत्म। लेकिन बेटा ऐसा नहीं करना, याद रखेगा मेरी बात, वो हम अगर आप कंफ्यूज नहीं होते मल्टीप्लाई डिवाइड वाले सिनेरियो में जो हम पहले करते थे, क्लास 8 तक करते हुए आए हैं, 9 तक करते हुए आए, अगर उसमें आप कंफ्यूज नहीं होते, अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो आप वही मेथड अप्लाई करना, लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो आपने यही करना होगा अप्लाई। इस वजह से मैं आपको एक नया तरीका सिखा रहा हूँ एलसीएम लेने का। तो बेटा जब आप मल्टीप्लाई करके जो कटिंग होती है वो आपका न्यूमरेटर होता है, बेसिकली ये पूरा आपका न्यूमरेटर है, ये पूरा आपका न्यूमरेटर बन जाएगा, डिवाइड में आपका आएगा एलसीएम। ठीक हो गया, अब आए इक्वल्स टू 25/12। सेम ऐसे ही आएगा। अब क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, प्लस यहां पे खुल जाएगा फॉर्मूला। तो आपको स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेटा आपके पास है एक्स ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये फॉर्मूला आप लोग 9 में पढ़ के आए, ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हुआ। तो x प्लस वन का होल स्क्वायर, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होता वन का तो वन ही लिखा जाता है, साथ में टू ए बी, टू ए बी मैंने मल्टीप्लाई डायरेक्ट करवा के लिख दिया, टू ए, ए क्या था x, x b, b क्या है वन, वन मल्टीप्लाई बाय टू, टू ए बाद एक ही है, ठीक है, डिवाइड बाय x, x प्लस वन इज इक्वल्स टू 25/12। तो बच्चों यहां तक हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं हुई अभी तक, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं बनाई, तो बात को समझेगा, इस वजह से बच्चों को 5 सवाल मुश्किल लगता है थोड़ा। तो अब देखें कैसे हो रहा है, यहां तक हर बच्चा मेरे साथ साथ है। अब देखें यहाँ ऊपर क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, पहले तो आप इसको डायरेक्ट यहां भी सॉल्व कर सकते हैं, क्या कुछ बच्चे बोलेंगे वहां लेके जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो मसला है हमारे लिए, तो बेटा आप अपने लिए आसानी पैदा करें, x को मल्टीप्लाई करवा दें, x x x स्क्वायर प्लस x वन ज x। अब आप क्या करें, इसको 2x स्क्वायर करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें, ठीक है बेटा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। पहले क्या है, 2x स्क्वायर
प्लस टू एक्स प्लस वन, मल्टीप्लाई किससे करवाने हैं, 12 से, तो 12 डिवाइड हो रहा है यहां पर, इजिकल्स टू किस तरफ आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इजिकल्स टू 25 अपनी जगह पर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड हो रहा है वहां जाकर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात मैंने आपको शायद बताई है पहले लेक्चर में अपने, कि जो चीज प्लस में है वो वहां जाके माइनस हो जाएगी, जो चीज माइनस में वो यहाँ आकर प्लस हो जाएगी, जो चीज मल्टीप्लाई में वो यहाँ आकर डिवाइड, और जो डिवाइड है वो यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा इस चीज को बार बार मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये आपको कॉमन सेंस से पता होना चाहिए, आप 9 में भी करके आए, क्लास 8 में भी करके आए, तो मेरा नहीं ख्याल से कि आपको ये मल्टीप्लाई डिवाइड और डिवाइड मल्टीप्लाई बताने की नीड है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, अब मल्टीप्लीकेशन है सिंपल, सिंपल मल्टीप्लीकेशन मतलब 12 2 24x2, फिर 12 2 + 24x, फिर प्लस 12 12 1 12 = 25x2 + 25x2 + 25x। यहां तक बात हो गई। अब सब एलिमेंट्स को, सब टर्म्स को वहां ले जाएं, जैसे ही सब टर्म्स को वहां लेके जाएंगे तो यहां जीरो बच जाएगा, क्या होगा, 24x² + 24x + 12, ये सब अपनी जगह पर है, 24x² 24x + 12, 25x² वहां गया माइनस में, 25x², ठीक है, फिर 25x मांग गया माइनस में, 25x। तो अब बेटा देखें क्या हुआ, फैमिली टू फैमिली, x स्क्वायर की फैमिली x स्क्वायर से, x की फैमिली x से, कांस्टेंट अकेला है, ठीक है। तो क्या हुआ, 24x² - 25x² कितना हुआ, -1x² 25 में से 24 गए, एक बचता है, साइन बड़े की आधी, तो बेटा साइन माइनस की बड़ा है, अगेन यहाँ पे एक्स की फैमिली 24 25 25 में से 24 गए, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस एक्स, माइनस क्यों आया, क्योंकि साइन बढ़ेगी, इसी तरह प्लस 12, अब आपका सवाल होगा कि सर आपने तो बोला था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में साइन प्लस आती है, आपने तो माइनस कर लिए, तो बेटा कोई मसला नहीं है, जब भी माइनस साइन आएगी आपने सारे टर्म्स को उठाकर इजिकल टू के वहां भेज देना है, ठीक है, इजिकल टू के दूसरी साइड भेज देना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वहां जाएगा प्लस एक्स वहां जाएगा प्लस 12 प्लस में वहां जाएगा माइनस इजिकल टू 0। कितना आसान था, ये पूरी टर्म हो गई, अब ये बन गई मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका हमने क्या करना है, इसका हमने फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज कैसे करेंगे बेटा, बेटा फैक्टराइज भी मार्कर से करेंगे, जैसे पूरा सवाल मार्कर से कर रहे हैं, तो आए देखें, 12 के टेबल निकालना है और माइनस करने पर 1 निकालना है, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही है, 3 और 4, 3 4 12, ठीक है, 2 ऐसे नंबरों में ब्रेक कर दिया बेटा मैंने, 12 दिखाई नहीं दे रहा, ये ले एक्स स्क्वायर, एक्स को 200 में डिवाइड किया, 4 और 3 क्या, 4 - 3 1 होता है, प्लस माइनस माइनस करना था, साइन बड़े की आ गई। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 3 12, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब हमने काम बिल्कुल सही किया है। अब कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले फटाफट, इसमें क्या साइन कॉमन है, एक्स एक्स माइनस 3, वहां पे क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है प्लस 4, क्या बच जाएगा, x माइनस 3, दोनों ब्रैकेट बराबर हो गए, सेम है, एक जैसे हैं, इसका मतलब हम काम बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं।
दोनों को कॉमन ले लें, x माइनस थ्री कॉमन, क्या बच गया x प्लस फोर। तो बेटा x प्लस फोर हमारे पास बच गया, ठीक है, और यही रिक्वायर्ड था, यही आंसर था हमारा। अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये सवाल पूरा यहां खत्म होता है हमारा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स भी डिफिकल्ट है थोड़ा सा, लेकिन मैं उसकी फैक्टराइजेशन तक नहीं जाऊंगा, मैं आपको एलसीएम का तरीका बता देता हूं, बाकी आप खुद करेंगे और खुद करके मुझे इसका फीडबैक देंगे कि आप सवाल सॉल्व करके देंगे और बताएंगे कि आपको कितना समझ में आया। तो बेटा देखें सवाल क्या है, टू एक्स माइनस नाइन, ये है क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री प्लस वन एक्स माइनस टू, ठीक है। तो बेटा आपके पास ये सवाल है, माइनस फोर ये सवाल है। सबसे पहले आपने देख के सवाल को घबराना नहीं है बच्चों, सबसे पहले आपने जो दो साइड पर है इसको पहले सॉल्व करना है। तो इसका एलसीएम बहुत आसान है, देख के पता चल रहा है, एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल, एक्स माइनस फोर एक्स माइनस थ्री, ये पूरी टर्म उठ के न्यूमरेटर पे आ गई, डिनोमिनेटर की वाली टर्म उठ के यहाँ आ गई, और यहाँ पर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया लास्ट सवाल में, जैसे हमने किया था वैसे ही इस सवाल में किया, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत है। एक्स को उठा के यहाँ रख दिया, इसको उठा के यहाँ रख दिया, ये सिनेरियो आपके पास बन जाएगा। जैसे ये सिनेरियो बन जाएगा, अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेना, ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स और प्लस ट्वेल्व। प्लस ट्वेल्व क्यों कर रहा हूं मैं, माइनस माइनस प्लस और फोर थ्री सा ट्वेल्व, ठीक हो गई। और यहां पर आके आपका टू एक्स माइनस नाइन। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लें, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लें फटाफट, तो आपको क्या पता चलेगा, तो आपको ये पता चलेगा कि आपने आए टू यहीं पे पड़ा हुआ है, ये डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। अब वहां कैसे होगा, मैं एक्स स्क्वायर को लाया, अच्छा फोर माइनस थ्री क्या है, माइनस माइनस प्लस, फोर और थ्री सेवन, साइन बढ़ेगी, माइनस सेवन एक्स है ये पूरा, तो माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व। और वहां पे क्या काम हो रहा है, वहां पे हो रहा है नाइन एक्स माइनस नाइन डिवाइड हो रहा था, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा। अब ये वाली टर्म आएगी, इसमें क्या है एक्स माइनस एक्स, ओहो ये तो कट गया, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में दोनों कट गए, माइनस फोर और प्लस थ्री माइनस वन, ठीक हो गया माइनस वन, बहुत आसान हो गया। टू एक्स स्क्वायर टू सेवन से और टू ट्वेल्व से, सेवन से हुआ तो माइनस फोर्टीन एक्स और 12 से हुआ तो 24। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा दोनों से, माइनस वन एक्स माइनस एक्स माइनस वन नाइन से तो प्लस नाइन, कितना आसान हो गया। अब आपने करना है सबको ले आना है यहाँ पर, तो जब सबको यहाँ लेके ये एक्स है, सबको यहाँ लेके आओगे तो क्या होगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस 24 अपनी जगह पर है, ये उठ के यहाँ आएंगे तो माइनस एक्स उठ के आया प्लस एक्स और प्लस नाइन उठ के आया तो माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है सिर्फ। अब देखें टू एक्स स्क्वायर फोर्टीन एक्स एक्स माइनस प्लस माइनस, फोर्टीन में से एक गया तो साइन बढ़ेगी माइनस थर्टीन एक्स,
और 24 और 9, जैसे ही आप 24 में से 9 निकालेंगे, क्या बच जाएगा आपके पास बेटा? 15 प्लस का 15। तो देखिए ये बन गई मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक हो गया। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ये मुश्किल लग रहा था तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बना के दे दी। अब आपने क्या करना है, अब आपका होमवर्क ये, आपने इसमें क्या करना है, इसकी आपने निकालना है फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म से फैक्टराइज मैंने आपको बताया ऐसे निकलता है, तो आपने इसका निकालना है। समझ नहीं आए तो आप सवाल पूछ सकते हैं यहाँ तक, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लास खत्म होने वाली है हमारी, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा यही था, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आपको कोई सवाल नहीं है, मतलब हर बार समझ में आ गई है, ठीक है। और फिर अगर कोई होमवर्क में भी कोई सवाल आता तो आप बिल्कुल मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।